करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पॉकेट टॉक। थैंक यू। नेम हो गया, उसका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई या ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म्स को यूज करते हैं। फॉर्म से यूजर से डेटा कलेक्ट करके फिर हम इसको प्रोसेस करने के लिए बैकएंड एप्लीकेशन को जो है फॉर्म का डेटा वो पोस्ट किया जाता है, जो हमारे पास बैकएंड एप्लीकेशन जैसे कि ASP.NET और PHP फर्दर प्रोसेस करती है और उसको फॉर्म से डिलीट करती है। फॉर्म्स के डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास उसके टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट एरिया फील्ड्स हैं, ड्यू बटन कंट्रोल्स हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, चेक बॉक्सेस हैं। फॉर्म का अगर सेंटेंस देखा जाए तो फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म टाइप यूज करेंगे। HTML में फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए उसके एक स्टार्टिंग टैग है, और जैसे कि यहाँ पर देखा गया स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, और इसके अलावा इसमें जो हमारे पास फॉर्म के जो डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे वो फॉर्म टैग में हम प्लेस करेंगे, यानी कि इनपुट की फील्ड्स या टेक्स्ट एरिया के जो फील्ड्स हैं वो हम फॉर्म के अंदर प्लेस करेंगे। इसके अलावा इसके जो दो कोर एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं एक्शन और मेथड। एक्शन और मेथड के आगे जो है फर्दर दो वैल्यूज है, गेट एंड पोस्ट। जो हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है कि जो ब्राउजर को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि जो वेब पेज है जब उसको हमने उसको सबमिट कर दिया, जब सबमिट के बटन को प्रेस कर दिए तो ब्राउजर को कौन सा पेज ओपन करना चाहिए, किस स्क्रिप्ट को कॉल करना चाहिए। जो मेथड एट्रीब्यूट है वो बता रहा है कि कैसे फॉर्म का डेटा जो है वो हमें सेंड करना है, कि उस जो हमारे पास डेटा है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करना है या अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करना है। तो इसके जो है दो वैल्यूज है हमारे पास, गेट एंड पोस्ट जो मोस्टली मेजोरिटी यूज हो रही होती है, जिसमें गेट एंड पोस्ट है। तो पोस्ट में हम जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होता है, लेकिन जो हमारे पास गेट में डेटा होता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होता है। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारे पास स्टार्टेड एट्रीब्यूट, जो कि स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म का जो डेटा है वो जब सेंड करती है, ये पोस्ट करती है, तो उसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले होगा स्क्रिप्ट का, तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, एक न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए या उसी विंडो में रहते हुए उसे ओपन करना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म का जो हमारे पास एक जो और कोर एट्रीब्यूट उसको कंसीडर किया जाता है वो हमारे पास सिंक टाइप एट्रीब्यूट, जो ब्राउजर को बताता है कि डेटा कैसे, जो ब्राउजर के लिए हेल्पफुल होता है कि हाउ टू इंपोर्ट द यूजर फॉर्म डेटा, सर्वर साइड पे भेजने से पहले उसको कैसे इंपोर्ट करना है और फिर उसको कैसे भेजना है। इसलिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, यानी कि अगर और दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन / www फॉर्म URL इंपोर्टेड। इन टाइप एट्रीब्यूट हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास मेथड की वैल्यू जो है वो पोस्ट हो। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसके इन टाइप की वैल्यू यूज हो रही है वो हमारे पास एप्लीकेशन / www-form-url इंपोर्टेड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है फॉर्म्स को सिंपल सिनेरियोस में यूज करने के लिए, लेकिन अगर हम बाइनरी डेटा को अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मल्टीपार्ट / फॉर्म डेटा की वैल्यू को सेट करेंगे एक टाइम में। नहीं तो अगर हम चाह रहे हैं कि उसकी कोई इमेज फाइल को अपलोड करें, या अगर हम चाह रहे हैं कि फॉर्म में अगर वर्ड फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं या इमेज की फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं या कोई डॉक फाइल या कोई और इस तरह की फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो इन टाइप की वैल्यू होगी वो देन मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा सेट होगी। लेकिन अगर हमने जो है बाइनरी डेटा को अपलोड नहीं करना, मीन्स इमेजेस वगैरह को फॉर्म के साथ अटैच नहीं करना या वर्ड की फाइल को अटैच नहीं करना, तो फिर हम जो हमारे पास सिंपल सिनेरियो यानी कि जो जेनेरिक वैल्यू यूज होती है वो हम एप्लीकेशन / www.form-url encoded को यूज कर सकते हैं। इधर हमारे पास जो थे डिफरेंट फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स थे जो कि फॉर्म्स के लिए कंपल्सरी होते हैं।